एक तरफा राय को नाराजगी कहते हैं, यानी खुद से बनाई हुई दो लोगों के दरमियान, दो ग्रुपों के माबेन, दो कंट्रीज के माबेन, इसको आप बढ़ाते चले जाएंगे। उसकी क्या वजह है? जब मिसकम्युनिकेट हो, आप अक्सर आपने देखा होगा दो लोगों के दरमियान गलत फहमियों की बुनियाद पर, इंग्लिश का एक वर्ड है मिसकंसेप्शन, उर्दू में इसका मतलब है गलत फहमी। हमारे यहाँ क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक आदमी फोन कर रहा है, वो ही इज इन इमेंस नीड, और मैं उसको फोन को इग्नोर कर देता हूँ, वो उसको मुश्किल वक्त में है और मुझे कॉल कर रहा है फॉर हेल्प, और मैं किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, किसी मीटिंग में हूँ, किसी के साथ बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी इसी वक्त को मुझे कॉल करें और अपनी हेल्प चाहिए उसको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा फोन बिजी है या मैं नहीं अटेंड कर सका, उसके दिन में जाती तौर पर ख्याल आएगा कि जान बूझ कर मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा, क्या ख्याल आएगा? आप बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाने का या बताने का मकसद ये है, हमारे आजकल के माशरे में खुद से बनाई हुई गलत फहमियों की बुनियाद पर बहुत सारे रिश्तों में दरारें आ रही हैं, दोस्तों के माबेन, फैमिलीज के माबेन, रिश्तेदारों के माबेन, एक इवन एक घर में, इवन एक घर में आप देखिए, हम एशियन कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका, यहाँ पर अभी भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है, यानी आप भी, आप एक घर में रहते होंगे, आप, आपके ताया चचा या आपकी एक बड़ी फैमिली होगी, बाज लोग अलग रहते हैं। बुनियादी तौर पर आज के इस टॉपिक का मकसद यह है कि आपके अंदर ये सेंस और ये एक जज्बा पैदा करना कि सबसे पहले किसी भी चीज की मुकम्मल तहकीक करें, बगैर तहकीक के। कुरान पाक में मैंने पहले भी रेफरेंस कोट किया है, सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बगैर तहकीक के किसी पे इल्जाम ना लगाओ, बगैर तहकीक के। मेरा ये जो टॉपिक है बुनियादी तौर पर इसका मकसद है कि आप अपने सुबह से आप मुख्तलिफ अपने टॉपिक्स लेसन लिए, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, व्हाटएवर थिंग यू आर स्टडीइंग राइट नाउ, लेकिन मैं बात यहाँ पर करना चाहूंगा, दैट इज वेरी नेसेसरी। हमारी इस वक्त क्या चीजें आ रही हैं, आप अक्सर देखते हैं फलां नाराज है एक दूसरे से, और हमारे यहाँ पर मुआशरा क्या है कि बजाय सुलह करवाने के माँ बहन गलतियां और बढ़ा रहे हैं, गलतफहमियां और बढ़ा रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? बेटा मैं यहाँ पर आपको ना बुनियादी तौर पर ये आज के टॉपिक की एक चीज ये समझाने के लिए आया हूँ कि आप एम्बेसडर हैं, आप अमन के सफीर हैं, मैं अमन का पैगाम दे रहा हूँ कि लड़ाई झगड़े का, नाराजगी का कोई फायदा नहीं, बिला वजह किसी से नाराज होना। आप आज से ये वादा करेंगे, तहिया करें कि अगर दो लोगों को नाराज देखेंगे तो आप एटलीस्ट मेरा पैगाम उन तक जरूर पहुंचाएंगे, तो उनके दरमियान सुलह करने की कोशिश जरूर करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब नूरे मुजस्सम हजरत मोहम्मद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा हक पर हो लेकिन फिर भी अल्लाह की रजा के लिए अपनी बात, अपनी चीज छोड़ दे और सुलह कर ले, तो वो जिस जैसे चाहेगा जन्नत की जमानत न दे। बेटा हमने दुनिया, हम एक जाहिरी बनावटी और आरजी दुनिया में ख्वाहिशों के अंदर, आप और मैं सब, मैं इवन मैं, हम दुनिया की कोशिश में लगे हो। तो आज के इस टॉपिक का एक तो हमारा बुनियादी मकसद ये है, जो हमारी असास है, हमारा जो दीन इस्लाम है, दैट इज आवर कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। हम परेशानियों में क्यों है कि हम इससे दूर हैं। अब इस पे मैं एक रेफरेंस कोट करने जा रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, और आपने ये वादा करना है कि आप इसको अपनी सोसाइटी, वो अक्सर आपने देखा होगा ना कि एक ट्री किसे कहते हैं, ट्री नेटवर्किंग किसे कहते हैं, पैगाम, आपको पैगाम मिला कि लोगों के दरमियान सुलह कायम करें, आप आगे ये पैगाम 3, 4, 5 लोगों में फैलाएंगे, इस तरह ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, एक ट्री बन जाएगा। इस मैसेज को हमने फॉरवर्ड करना है, बिकॉज इस वक्त मैं जिन स्कूलों में भी जा रहा हूँ, या जो भी, बेसिकली मैं बिहेवियर रिसर्च पे प्रैक्टिस करता हूँ, रिसर्च एनालिसिस मेरा बिहेवियर्स के ऊपर है कि इंसानी रवैये क्या है। मैं जो भी टॉपिक या रिसर्च करता हूँ, मैं सबसे पहले आप बच्चों को, आप मेरे बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आप तक कोई भी चीज़ पहुँचाऊँ,
इस वक्त मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप इतने लोग बैठे हैं, आपकी भी फैमिली में किसी ना किसी से नाराजगी होगी, कंफर्म्ड ऐसा होगा, उसकी कुछ भी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुरान पाक की एक आयत है, आप उसे नोट कर लीजिएगा, इन्नमा अल मोमिनूना, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, इख्वते फसलहु आमिनु व अख्वीनु। इसमें बुनियादी तौर पर इसका इंग्लिश मतलब या इसका मफहूम में आप लोगों से बताऊं इस कुरान पाक की आयत का, कि लोगों के माबैन या भाइयों के माबैन सुलह जो है उस अमल को अल्लाह ताला, मैं अल्लाह ताला मेरी कमी बेशी माफ फरमाए, इसका एडिटिस तर्जमा कोट नहीं करा मैंने, इसका तर्जमा इंग्लिश में लिखा और उसका उर्दू में मतलब यही बनता है कि आप और अपने भाइयों के माबैन सुलह कायम करो, दो लोगों के माबैन, दो ग्रोहों के माबैन। बुनियादी तौर पर गलत फहमियों की बुनियाद पर रिश्तों में दरारें आ रही हैं। हम कहते ना सिर्फ एक गलत फहमी से बहुत सारा टाइम, बहुत सारी रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका इंग्लिश में जो तर्जमा है, आप इस जो मैंने आयत लिखी है इसका इंग्लिश में अगर मैं तर्जमा लिखूं, द बिलीवर्स, बिलीवर्स कौन है, ईमान वाले। अक्सर आपने पुराने पाक की जो इन्नमा मोमिनून से अक्सर जो है ना हमारी आयात स्टार्ट होती हैं, या अय्युहल मोमिनून, अक्सर पुराने पाक में द बिलीवर्स आर, बट ब्रदर्स एंड मेक पीस बिटवीन देम। यहां देम कौन है, ब्रदर्स, यानी आप अपने भाइयों के दरमियान, अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो लोगों में, दो ग्रोहों में, मेरे आज की बुनियादी तौर पर इसका मकसद सुलह करवाना है, रिकंसिलिएशन के कॉन्सेप्ट को आप बच्चे, आप एंबेसडर हैं, आप मेरा पैगाम आगे तक पहुंचाएं। और इसमें यह है बुनियादी तौर पर हमारी जो बात है वो यही है कि आप जब कभी कभी किसी के बारे में, आप कभी किसी के बारे में कोई बुराई सुने तो बुराई करने वाले को फौरी रोक दें कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये बात इसके बारे में, मिसाल के तौर पर इस बच्ची के बारे में, साहब वाली बच्ची दूसरी को बात कर रही है, वो कभी पहले ही सोचे कि आई कॉन्ट बिलीव दिस, मेरे साथ उसका रिलेशनशिप ऐसा है ही नहीं, अगर तुम ये बात कर रहे हो क्या तुम श्योर हो, बहुत सारी नाराजगियां खत्म हो सकती है। बहुत सारी, देखें नाराजगी एक ऐसी कैफियत है जो आपके अंदर मनफी रवैयों, मनफी ख्याल का रुझान बढ़ाती है। क्या करती है? आपने अक्सर देखा होगा, आपको, हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें बाज़ुकात, हम कोई ऐसा शख्स नहीं, मिसाल के तौर पर आपको कोई अच्छा भी लगता होगा, इससे आपकी दोस्ती होगी, इससे आपको बुरा भी लगता होगा, अक्सर नहीं होना यार ये तो मुझे जहर लगता है, लव सुना है ना आपने, ये तो मुझे जहर लगता है, ये लगती है। लेकिन there is a lots of situation behind that word, ऐसी क्या वजह बनी कि कोई इस लेवल तक जहर पॉइजन है, बंदा खा के मर जाता है। किसी के बारे में अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और हम किसी के बारे में ये पैगाम दे रहे हैं। बेटा मेरे लेक्चर्स का या मेरी बात का बुनियादी मकसद इखलाकियात से रिलेटेड है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ एथिक्स पे। आप सारा दिन सुबह से लेकर 2 बजे तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़नी, दैट इज आल्सो कंपलसरी फॉर दैट। बट इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही शानदार इदारे में गया, वहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने आपस में गुफ्तगू करते देखा, एक इंतहाई महंगे स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे, एक इंतहाई नोबल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बच्चे जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं लव्स, जुबान व बयान, तौर तरीके, रवैये नस्लों का पता देते हैं कि आदमी कहाँ का है, खानदानी है। अगर ये मामला इसमें ऐसे हैं, इसमें चीजें ऐसी हैं, तो दैट वाइज आप मुझे बताएं, जब तक आपको मैं मजाया बात बताता हूँ, कुछ साल पहले एक यूफोन का एड आया था जिसमें वो लड़का कॉफी शॉप में जाता है, वहां पर एक हसीन और जमील लड़की बैठी हुई है,
और वो उसको देखकर उसी तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो आता है तो जब वो लड़की को फूल देने की कोशिश करता है फिर उसके बाद वो रिप्लाई करती है तेरी मेहरबानी यार, देखा भाई इसी में, वो बेसिकली उसकी आवाज बड़ी अजीब सी होती है। तो वो असल में क्या होता है उसमें दिखाया गया है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, इंसान जब बोलता है तो वो अपने अपने अपना अपना अपने आप की, हर आदमी की अपनी एक आइडेंटिटी है, एक शनाख्त है। मैं कहने का मकसद वो मैंने माजद के साथ मैंने एग्जांपल यहाँ कोट की, वो इसलिए कि अगर किसी ने वो ऐड देखा होता तो वो समझ जाता कि आप जब बोलते हैं तो फिर आप पता लगता कैसे। अगर मिसाल के तौर पर मैं तैयार श्यार होकर आकर यहाँ पर खड़े होकर गालियाँ देना शुरू कर, तो क्या मेरा लहजा, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा तौर तरीका मैच कर रहा होगा? ऐसे ही सेम इन द केस विद यू, कि हमें बुनियादी तौर पे अजान हो रही है, मैं इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। आप में से कितनी बच्चियां मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि वो इस पैगाम को आगे तक पहुंचाएंगे? थैंक यू सो वेरी मच। मेरा यही टॉपिक है कि हम अल्लाह ताला, मैं वो अक्सर वो मिस एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त चारों तरफ नफरतों की आग है, हमें अमन का सफीर होते हुए हमें अपना पैगाम लोगों तक और इस नफरतों की आग को ख़त्म करना है। आप स्टूडेंट्स जो हैं वो बेटा, आपने दो तीन साल चार साल बाद आपने कॉलेजेस में डिफरेंट जगहों पे पढ़ने के लिए जाना है, तो आप एम्बेसडर हैं वजाली एजुकेशन ट्रस्ट के। आप मुझे बताएं आज से चार पाँच साल पहले क्या होगा, वल्लाह आलम, अल्लाह को मालूम, लेकिन पाँच साल बाद कहीं आप किसी टीचर मेरी जगह पर खड़े होंगे, तो अगर आपके सामने कोई ऐसा केस आएगा जिसमें दो भाइयों के दरमियान, दो ग्रोहों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान मामला ऐसे हुआ है, तो आप क्या करेंगे? सुलह करवाने की कोशिश करें, हमेशा तहकीक करें। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, काजी हो या जज हो, दोनों फरीक की बात सुनकर फैसला करें। मैं कभी भी एक आदमी की राय सुनकर फैसला जारी नहीं करूँ। तो बेटा मेरा पैगाम है, हमारा वैसे भी दिस इज़ द लास्ट मंथ ऑफ क्रिएटिव लर्निंग, उसके बाद आगे अल्लाह ताला जाने क्या मामला होंगे, क्या होगा, लेकिन हमेशा होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए हम सब के लिए। व्हाट आर द यू हैव, एवरीबडी हैज सम विशेज इन देयर माइंड और इन देयर हार्ट, बट अल्लाह ताला सब की जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह करते हैं जो भी हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, आई विल टेक यू होल टू लीव, एंड मैं ये दुआ को हूँ कि जो मैंने बात की है ये आपको समझ आए और आप इसको आगे अपने से जुड़े हुए लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, और कोशिश करें कि अंदर अपने सुलह करवाने का जज्बा पैदा करें ताकि गलत फहमियाँ दूर हो सकें। आपके स्कूल में आपको पता लगे कि यार ये दोनों आपस में नाराज़, ऐसा होता है, तीन दोस्त होते हैं नाराज़गी होगी, ग्रुप बन गया लगा, आप कोशिश करेंगे एक दूसरे के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन के प्रोसेस को आगे ले जाएं। थैंक यू सो वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।